Hello everyone. On today topic, we will discuss a last two section of our grid computing, that is a grid application, and we conclude our video lectures here. So on today's topic in grid computing, we will discuss a grid application. There are two types of grid application, e-sciences and e-businesses. There are two approaches where we can use a grid. So you can see this difference between them, and we can see this, what is this. See, a collaborative science and global grid. कहता हमारे पास जो जितने भी e-sciences हैं collaborate करना है इनको global grid को combine करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक global grid लगा हुआ है. This is our global grid here. Like you can see here, this is global grid and these are the various collaborative science criteria. First one is the e-scientist. जितने ही हमारे पास scientist हैं वो सारे इस grid को use कर रहे हैं to fetch information from crowdsource or from various universe also की regarding their research work. And peer sharing ideas, collaborative interpretation of data result also helpful for them. And remote visualization is also performed with the help of global grid. We can use a remote visualization concept here. We can move aeroplane management like, or we can check visualization. Various type of visualization ho rahi hai. Like hamare paas gaming consoles bhi aa rahe hain visualization mein, wo bhi grid se chal rahe hain. On internet we can play virtual environment games also. These are all are working on a grid also. And distributed increment instrument jitne bhi hamare paas chal rahe hain, like dishes hai, power grids hai, ye sare ke sare antennas hai, ye sare iske basis pe chal rahe hain. एंड डाटा एंड कंप्यूटर सर्विस जितने भी हमारे पास डाटा बेस पर कंप्यूटेशन हो रही है, डाटा बेस के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही है, वो भी हमारे पास ग्रिड डाटा के ऊपर ग्लोबल ग्रिड के थ्रू हो रही है. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन भी ऑल्सो ये परफॉर्म कर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन है, वो सारी की सारी यही हैंडल कर रहे हैं. बिकॉज डाटा एंड कंप्यूटर सर्विस हो रही है तो इनको डाटा बेस चाहिए, वो कहां से मिलेंगे, ग्रिड हैंडल कर रहा है. तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन की यहाँ यहाँ पर ये ग्रिड यूज हो रहे हैं. यू कैन सी दिस सम ऑफ द ई साइंस ग्रिड एप्लीकेशन कौन सी है. अब ई साइंस में क्या हो सकता है, कहता है हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स ड्रग सिस्टम प्रोटीन मॉडलिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेली डेली ये हमारे पास अपडेशन डालते रहते सर्वर पे कि दीज आर वेरियस न्यू रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स ड्रग डिजाइन. नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियरिंग में भी यूज कर सकते हैं. इकोलॉजिकल मॉडलिंग लाइक कंट्रोल सर्चिंग या कैटल कैटिंग के लिए भी, डाटा माइनिंग प्रोसेस के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक कैड, फील्ड प्रोग्रामिंग गेटवेज, हाई एनर्जी फिजिक्स लाइक सर्च फॉर रेयर इवेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड रे ट्रेसिंग के लिए, जो दीज आर योर आईटी एग्जाम्पल्स लाइक दिस वन. नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियरिंग योर आईटी वन. सेंसिटिविटी एक्सपेरिमेंट ऑफ स्मोक फॉर्मेशन जिसे आईटी वन. सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग डिजाइन फॉर अ कैड कैम प्रोसेस, कि हमारे पास यहाँ पर हर एक डिजाइन प्रोसेस अवेलेबल होंगे ताकि उनको यूज करके हम अपनी नई डिजाइनिंग निकाल सके. फाइनेंस इन्वेस्टमेंट रिस्क एनालिसिस के लिए VLSI डिजाइन, स्पाइस एंड सिमुलेशन उसके लिए भी इनको यूज किया जाता है. अगेन आईटी कॉन्सेप्ट इज देयर. जितने वेरी लार्ज के हमारे पास डे टू डे एडवांटेज हो रही जा रही है, जितने भी हमारे पास प्रोसेसर है वो और छोटे हो जा रहे हैं, जितनी पेन ड्राइव माइक्रो हो जा रही है, वो कैसे हो रहा है. हमारे पास अगर अवेलेबिलिटी होगी कि मार्केट में क्या अवेलेबल है, हमारे पास वर्ल्ड वाइड में क्या डिवाइस अवेलेबल है, तभी उसको हम और आगे प्रोसेस करके और उसको माइक्रो कर सकते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ई साइंस ये इस पे हेल्प हो रहे हैं. एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, नेटवर्क सिमुलेशन के लिए इनको यूज किया जाता है. ऑटोमेटिक क्रैश और सिमुलेशन के लिए, उस पर विंग डिजाइन के लिए, वेरियस ई साइंस ग्रिड एप्लीकेशन आर हियर. दिस आर अ सिंपल वन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक हियर. एंड नेक्स्ट वन इज अ ग्रिड यूज इन साइंस. कहता है ग्रिड साइंस में कहाँ यूज हो रहा है, ये तो ई साइंस होगी पहले हम बात किए, साइंस में क्या यूज हो रहा है. ऑनलाइन मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, न्यूरो साइंस, कहता है जितने मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, न्यूरो साइंस है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं. और साका यूनिवर्सिटी इसको यूज करिए इन देयर हॉस्पिटल ऑल्सो, साइबर में ऑल्सो. वो क्या कर रहे हैं, एक वर्चुअल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन फॉर ब्रेन सिस्टम के लिए बना रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम इसको एलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन सी दिस इन साइंसेज इसको हम कैसे कर सकते हैं. लाइक यू कैन सी ओसाका यूनिवर्सिटी ने क्या किया है इसको, लाइक उन्होंने एक डाटा एनालिसिस किया. डाटा एनालिसिस किसके बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट. उन्होंने एक मशीन डिजाइन की लाइक दिस वन. इस मशीन के थ्रू उन्होंने एक लाइव इलेक्ट्रॉनिक लेबोरेटरी डिजाइन की है, जिसके अंदर वो एमईजी प्रोविजन एक्सपीरियंस एनालिसिस ऑन द मेडिकल टर्म टेक्नोलॉजी, वो माइंड रीड कर रहे हैं और माइंड रीड करके उसको एनालिसिस करके किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ओसाका यूनिवर्सिटी उसको अपने एक डाटा एनालिसिस पे डाला. अब उसको डालने के बाद यू कैन सी दिस कि यहां पर वो सारी माइंड इमेजेस हमारे पास जनरेट हुई और वो जनरेट होके उन्होंने उसको एक फीडबैक दी कि हाँ वी कैन जनरेट दिस. और साथ ही उसके रिगार्डिंग फीडबैक ली और मशीन को वो फीडबैक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट को मिल गई. आफ्टर दैट क्या हो रहा है हमारे पास कि वो इमेजेस किस फॉर्मेशन में आई, उसने सोचा कि मैंने ये चीज देखी थी, ये बंदे बात कर रहे थे, उसने अपनी सारी माइंड रीड करके उनको एक रिपोर्ट जनरेट की. रिपोर्ट जनरेट करने के बाद वो सारी डीवी ट्रांसफर की एंड डाटा जनरेट हुआ. अब वो जो डाटा जनरेट हुआ वो किसके माइंड में चला गया, उस पेशेंट के माइंड में वो एग्जीक्यूट हो गया. आफ्टर उस पेशेंट ने क्या किया, उसको एनालिसिस किया.
अब एनालिसिस किस करने के लिए क्या यूज करेगा वो, अब कंप्यूटेशन इंजन यूज करेगा, लाइक यू कैन सी दिस कंप्यूटेशन इंजन आर यूज हियर, ठीक है, वेरियस कंप्यूटेशन इंजन आ जाए, ए बी सी डी, दीज आर इंजन उसने यूज किए, उसके बेसिस उसको कंप्यूट किया, एंड देन आफ्टर दैट एनालिसिस किया, रिपोर्ट किया, और वो रिजल्ट को उसने क्या किया, लाइफ साइंसिस को भी दे दिया, और उसको एनालिसिस करके रिपोर्ट को चेक किया कि ये सेम रिजल्ट आ रहा है, इफ रिजल्ट इज सेम देन वर्चुअल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन एंड ब्रेन साइंस इज बिल्डेड, फिर वो क्या करिए नॉलेज शेयर करिए, मैक शाइनिंग एंड डाटा साइंस शेयरिंग के लिए इसको हम यूज कर पा रहे हैं, सो दिस इज बेसिक एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड साइंस यूज इन साइंस, एंड नेक्स्ट वी डिस्कस ग्रिड इन डाटा शेयरिंग, ग्रिड ऑल्सो यूज डाटा शेयरिंग एप्लीकेशन लाइक फिजिक्स कोलेबोरेशन, फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन, ओरिजिन ऑफ मास ये यूज कर रहे हैं, फिजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फिजिक्स एप्लीकेशन के लिए वो मास में यूज कर रहे हैं कि क्या हमारे पास चल रही है, लाइक द फिजिकल और रिसोर्स कितना है, कम्प्लेक्सिटी कितनी है, पेटाबाइट्स में हमारे पास डाटा जनरेट हो रहा है, ये आर एंड डी पर्पज के लिए हम भी इसको हम यूज कर सकते हैं, यू कैन डोंट हेजिटेट अबाउट इट और गो इन डिटेल अबाउट दिस, बट दिस इज बेसिक एप्लीकेशन। एलएससी ग्रिड कंप्यूटिंग मॉडल भी हमारे पास है, ये भी उन्हीं के बेसिस पे है, वो एलएससी यूज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस फिजिकल पेटाबाइट डाटा आ रहा है, वो कैसे जनरेट हो रहा है, ऑनलाइन सिस्टम बन रहा है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वी कैन गो फॉर ई बिजनेस, कहते हैं अब ग्रिड यूज इन ई बिजनेस कैसे है, एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, यू कैन सी दिस, दीज आर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल मॉडल क्या था, हमारे पास जितने भी बंदे हैं काम लगे हुए हैं वो सारे एक डाटा साइंस वेब सर्वर पे, ईमेल सर्वर पे, डाटाबेस सर्वर, सभी के लिए एक अलग अलग सर्वर लगा हुआ, उनके ऊपर अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग डाटा डालते जा रहे हैं, और आगे क्या हो रहा है, अपग्रेड टू अ न्यू सर्वर टू हैंडल अ मोर यूजर, उसके लिए वो क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वेब सर्वर मेरे पास अभी उसके ऊपर प्रेशर डाली आ रहे हैं और ये वेब सर्वर फिल हो गया, तो हम क्या करेंगे, नया सर्वर लगाएंगे, अपग्रेड करेंगे न्यू सर्वर टू हैंडल मोर स्पेस, मोर यूजर, उसके लिए हमने एक नया सर्वर लगा दिया, कि यहाँ पर हमें स्केलेबिलिटी हमें ऐसे मिलती थी, बट ग्रिड ने क्या किया, ग्रिड ने आपको और वर्चुअलाइज कर दिया, वो कहता सर्विस वर्चुअलाइजेशन लेयर एंड लोड बैलेंसिंग, आपने उसने यहाँ पर एक लेयर डाली, अब हमें लग रहा है कि हम सीधी उस लेयर से बात कर रहे हैं, बट डाटा क्या हो रहा है, शेयर्ड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था कि इन रिसोर्सेज को जैसे 1, 2 एंड 3 ये सभी कम यूज कर रहे थे और इसको ज्यादा यूज कर रहे थे, और हमें इसको इंक्रीज करने के नया लगाना पड़ गया, बट ये तो हमारे पास फ्री है, अगर हम इनकी कुछ स्पेस को भी यूज कर लेते तो हमारे पास काम सर जाना था, बट ये पॉसिबल नहीं था यहाँ पर, बिकॉज दीज आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ईमेल, दिस इज स्पेसिफिक डिजाइन डाटाबेस, दिस इज स्पेसिफिक फॉर एप्लीकेशन सर्वर, बट ग्रिड ने क्या किया, एक ग्रिड स्टेशन क्रिएट किया लाइक दिस वन, सर्विस वर्चुअलाइजेशन क्रिएट किया, उसके साथ सारे के सारे जितने भी मेरे पास सर्वर सारे ऐड कर दिए, वो कहता अब मैं डाटा खुद भी खुद सेव करूंगा, किसी पे भी डालता जाऊं और सभी इक्वली लोड बैलेंसिंग के थ्रू वो वर्चुअलाइजेशन होंगे, वहां पर आपका डाटा सेव होता रहेगा, तो मेरे पास रिसोर्सिस की यहाँ पर यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ ग्रिड टूडेज टॉपिक इन ग्रिड एप्लीकेशन, सो लेट्स वी कंक्लूड अवर ग्रिड टॉपिक, वी विल कंक्लूड इन वन स्लाइड लाइक समरी एंड कंक्लूजन, ग्रिड कंप्यूटिंग है क्या, इज अवर ग्रेटेस्ट होप फॉर डिलीवरिंग कंप्यूटिंग एज यूटिलिटी टू होम्स एंड ऑफिसेज ऑल्सो, सो ग्रिड एक्सप्लॉइट सिनर्जीज दैट रिजल्ट फ्रॉम कॉपरेशन ऑफ ऑटोनोमस एंटिटीज लाइक रिसोर्स शेयरिंग, डायनामिक प्रोविजनिंग, एग्रीगेशन एंड ग्लोबल लेवल ग्रिड साइंस एंड ग्रिड बिजनेस के लिए एप्लीकेशन के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। सेवन ओपन सोर्स मिडलवेयर टेक्नोलॉजी सच एज ग्रिड बस एक्जिस्टिंग डेमोस्ट्रेटिंग ग्रिड पोटेंशियल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसके बारे में इन प्रीवियस टॉपिक, ग्रिड बस क्या है, वो कैसे कैसे चल रही है उसके बारे में, बाद में हमने ग्रिड बस और ग्लोबल बस के ऊपर आपस में कंपेरिजन भी करा के देखा, एंड ग्रिड कंप्यूटिंग offers enormous opportunity for realizing e-science business के ऊपर हमने देखा कि हमें क्या application provide कर रही है basis पे, and use of a grid bus technology to realize this and make money, so this is all about a grid technology, these are some references where we can got this PPT or this material, also you all guys are enjoy it, if you have any doubt, any query, you can comment me out on my YouTube channel or you can WhatsApp me personally on my WhatsApp number already shared to you, so this is all about grid. And you can take a, I can also send you a PPTs of these material also. Thank you. Have a nice day.